फर्स्ट फेज में तो आपका जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11, जैसे आपने करते थे। आपको लास्ट में जब आपका आंसर सी की टर्म्स में आएगा वहां पर चेंजेस होंगे आपके। यू कैन सी दैट, यू कैन सी दैट, ये आपका क्या क्वेश्चन नंबर 11, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स बनाओ, डी एक्स बाई डी वाई बनाओ, इस केस में दोनों में ही आपका इक्वल एफर्ट रहेगा। डजेंट मैटर कि आप डी एक्स बाई डी वाई बनाते हो या डी वाई बाई डी एक्स, तो आपने बनाया डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये माइनस है, अगर मैं इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। Then, आपने क्या लिया है y by x, आपने क्या लिया है y by x, तो put y by x equal to t, y by x क्या हो गया आपका equal to t, so y equal to क्या हो जाएगा आपका dx, differentiate with respect to x, तो dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी। ये तो आपने पूरी एक्सरसाइज में जो आपने 10-11 क्वेश्चन किया आपने dy by dx ही फाइंड किया। मैंने आपको कहा था कि बार बार जब आप सेम चीज का प्रोडक्ट रूल फाइंड करते हो तो होता क्या है कि सेम वैल्यू आनी होती है, तो आपके टिप्स पर आ जाती है कि अगर मैं y इक्वल टू टी एक्स लेता हूँ तो जो मेरा dy वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल होगा, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, राइट। तो dy वाई बाई डी एक्स आपका क्या था, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। dy वाई बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू क्या आई है, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब आपने क्या किया था, y बाई एक्स को t पुट किया था भाई, अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो वाई बाई एक्स को आपने डी पुट किया था, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टी एक्स, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका टी एक्स, तो वाई की जगह हो गया टी एक्स माइनस एक्स टी एक्स प्लस एक्स। न्यूमरेटर से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स विद इन ब्रैकेट टी माइनस वन। डिनोमिनेटर से भी क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स विद इन ब्रैकेट टी प्लस वन। एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, we are left with x into dt by dx equal to, देखो ये सारी की सारी t family के member है, ये plus t जो है ये भी यहाँ पर shift हो जाएगा, ये हो जाएगा minus t, आपका denominator क्या हो जाएगा t plus 1, but we will have t minus 1 minus t into t minus t square plus minus minus t, तो देखो plus t और minus t cancel हो जाएगा। अब जो भी terms आपकी यहाँ बची हैं दोनों में minus है, what we can do, we can take minus as a common term and we are left with within bracket t square plus 1 upon t plus 1, okay। अब ये जो t family है इसका head कौन होगा, dt, और ये जो x family है इसका head कौन होगा, dx। दोनों ही आपके numerator में होने चाहिए, तो ये हो गया आपका। तो मैंने कहा कि आपको कि x फैमिली का मेंबर dx है, जो फैमिली के हेड होते हैं वो न्यूमरेटर में होने चाहिए। अब t फैमिली का जो है dt है ये आपका ऑलरेडी न्यूमरेटर पोजीशन पर है, और x फैमिली का जो मेंबर है dx ये आपका डिनोमिनेटर पोजीशन पर है, तो इसको हम अपोजिट साइड में लेके आए, तो माइनस डी एक्स बाई एक्स क्या हो गया, माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो जब ये पूरी की पूरी जो फैमिली मेंबर्स हैं dt के ये t के पास जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। इसके बाद का स्टेप सिंपल है, मेन जो स्टेप होता है ना आपका, जो मेन आपका जो काम होता है वो ये होता है कि क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना। अब इसके आगे सिंपल है, t की फैमिली अलग होगी, x की फैमिली अलग होगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आपकी t की फैमिली है या आपकी x की फैमिली है, राइट। अब देखो एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि जो न्यूमरेटर होता है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, मीन्स इट कैन बी रिटन एज टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी टी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन डी एक्स बाई एक्स। ये तो आपको पता टेन इनवर्स टी हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका। वट अबाउट दिस वन, इसको कैसे करोगे, सिंपल है, आपको पता अगर मैं टी स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये टू टी बन जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर से मैं टी पर आ जाऊंगा, यहाँ पर लगेगा सब्सटीट्यूशन, और यहाँ भी कोई सोचने वाली बात नहीं है, डी एक्स बाई एक्स आपको पता लॉग एक्स होता है,
मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें पता है, तो टी स्क्वायर प्लस वन को आपने क्या ले लिया, पी, आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, टू टी, और पी हो जाएगा डी पी बाई डी टी। अब आपको फाइंड करना है टी इंटू डी टी, तो टी इंटू डी टी, तो ये हो गया टी डी टी इक्वल टू डी पी ओवर टू। ये जो 1/2 है ये तो आपका कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और टी डी टी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डी पी। टी स्क्वायर प्लस वन को आपने क्या ले लिया, पी प्लस, देखो ये इंटीग्रेशन मुझे पता है, मैं चाहता तो उसको सीधा डायरेक्टली यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकता था, पर फिर मैंने आपको बताया था अगर आप किसी भी इंटीग्रेशन को पहले कर दोगे तो आपको सी वन सी टू को फॉलो करना पड़ेगा। तो 1/(t²+1)dt इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, तो डी पी बाई पी का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये क्या होगा आपका, लॉग पी प्लस 1/(t²+1) का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स टी, और डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, ये माइनस, देखो इसमें ये लॉग में है बाकी कोई लॉग में नहीं है, ये लॉग में पर ये नहीं है, सी को लॉग में करने का कोई लॉजिक नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पूरी लॉग में होती, राइट हैंड साइड लॉग में होती तो मैं कहता कि भाई लॉग एम इक्वल टू लॉग एन बन जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ एम इक्वल टू एन, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन जो है आपके वो लॉग में नहीं है। अब पी की वैल्यू क्या थी आपकी, वैल्यू ऑफ पी इज टी स्क्वायर प्लस वन, ओके, इन प्लेस ऑफ अ पी, इन प्लेस ऑफ अ पी हमने क्या लिखा, टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स टी, ये पॉजिटिव टर्म है, सी माइनस लॉग एक्स हाफ। अब आपने जब हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था तो हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, इसकी वैल्यू फाइंड की थी डी वाई बाई डी एक्स, तो जहाँ टी है वहां पर आ जाएगा वाई बाई एक्स, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन इनवर्स टी, टी की जगह क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स इक्वल टू सी माइनस लॉग एक्स। ये आपका क्वेश्चन कहाँ तक हो गया, जो आपने अप टू क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, इसको कहते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर है इसमें जो कांस्टेंट है आपका वो सी है, और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें सी की कोई वैल्यू होगी, जैसे 1 होगा 2 होगा 3 होगा ऐसी कोई वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि वाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0, और एक्स की जगह क्या रखना है आपको, 1। y की वैल्यू आपको 1 लेनी है और x की जगह भी 1 पुट करना है, तो अब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए इस कंडीशन का यूज करोगे, मींस इन प्लेस ऑफ अ x वी विल पुट 1 एंड इन प्लेस ऑफ अ y वी विल पुट 1, व्हेन वी पुट दिस वैल्यू व्हाट वी विल हैव, हाफ log y स्क्वायर बाय x स्क्वायर 1/1 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 प्लस tan इनवर्स y बाय x 1/1 ये भी 1 हो जाएगा, इक्वल टू c माइनस log x, और x की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो log 1। जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो log 1+1 कितना हो जाएगा, log 2, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 4, व्हाट वी विल हैव पाई बाय 4, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, इक्वल टू c। तो जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो उसमें सी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए नंबर, हाफ लॉग 2 प्लस 5/4, तो जो आपकी ये वैल्यूएशन थी, तो इन प्लेस ऑफ ए सी बट वी विल पुट हाफ लॉग 2 प्लस 5/4, तो जो आपका क्वेश्चन था जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में, यू कैन सी दैट बाकी सब कुछ सेम होगा, हाफ लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू इन प्लेस ऑफ अ सी हाफ लॉग 2 प्लस 5/4 और माइनस लॉग एक्स। नाउ इट कैन बी रिटन एज, देखो ये हाफ है, वी नो दैट एन लॉग एम इज इक्वल टू व्हाट, लॉग एम रेज टू पावर एम, ये आपका यहां पर एन है, ये आपका पावर में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर 1/2 अगर पावर में आएगा तो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो जैसे ही 1/2 पावर में जाएगा ये तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट होगा तो वो क्या हो जाएगा एक्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 1/2 है ये जैसे ही आपका पावर में आएगा तो
तो न्यूमरेटर आपका स्क्वायर रूट में आ गया, और ये जो 1/2, जब एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2 आएगा, वैसे भी देखो यार जब एक्स स्क्वायर की पावर में 1/2 जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस, ये जो माइनस लॉग एक्स है ये आपका क्या हो जाएगा प्लस लॉग एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू हाफ लॉग 2 प्लस 5/4, ठीक है। नाउ लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू व्हाट, लॉग एम इंटू एन यही होता है आपका, प्लस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इक्वल टू हाफ लॉग 2 प्लस 5/4, एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद log within modulus sin under root y square plus x square plus tan inverse y by x equal to half log 2 plus 5/4. This is the answer of this question. Okay.